कबूतर एक्सपेरिमेंट में आपका स्वागत है। तो गाइस आज का न्यू टॉपिक है हमारे कबूतर के छोटे बड़े बच्चे। तो गाइस कभी होता है कि हमारे कबूतर बच्चे को भरने में खिलाने में कभी कभी आगे पीछे कर देते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है, बड़ा बच्चा ज्यादा बड़ा हो जाता है और जो छोटा बच्चा होता है वो ज्यादा छोटा हो जाता है। तो गाइस ये कुछ कारणों की वजह से होता है कि हम लोग जो है कबूतरों को दाना टाइम पे नहीं देते। कभी कभी होता है भाई लोग किसी काम से गए होते हैं, कबूतरों को कोई दाना नहीं देता है, इसलिए ये ऐसा हो सकता है। मैं आपको बता रहा हूँ, एक चीज बता रहा हूँ जिससे आप कबूतरों के बच्चे हैंड फिटिंग करो। आप ऐसा नहीं होता है आपके पास टाइम नहीं है, हाथ से आप नहीं खिला सकते, तो मैं बता रहा हूँ आपको एक चीज करना है जिससे आपके बच्चे हमेशा बड़े रहेंगे और जल्दी छोटे नहीं होंगे। बस आपको के करना क्या है, करना ये है कि कबूतरों को पहली बात करना है कि हमको दाने टाइम पे डालना है, सुबह में डालना है और शाम को डालना है। अगर हो सके आपको टाइम है तो आप दोपहर में भी दाना डाल सकते हो। अगर आपने तीन टाइम खिलाया कबूतरों को, ब्रीडिंग वालों को जिनके पास बच्चे, उनको आपको पेट भर के दाना खिलाना है कबूतरों को। उससे क्या होगा, कबूतर पेट भर के खाएंगे, बच्चे पेट भर के खाएंगे, बच्चे कमज़ोर नहीं होंगे। कभी होता है कि अपन लोग दाना डालने में बहुत ज़्यादा लेट कर देते हैं, जैसे कोई काम के लिए मैं चले गया, दाना नहीं डाला, कबूतर भूखे, बच्चे भूखे। बड़ा तो कुछ टाइम तक के रहेगा, जितनी ताकत जब तक रहेगा, छोटा लेकिन समझ लो ख़त्म ही हो जाएगा। तो ये तरीका है। और आपको एक चीज़ बता रहा हूँ जो मैंने आपको बताया, ये आपको करना ही करना है। और एक चीज़ बताता हूँ, अगर वो भी नहीं होता है और दो टाइम आप दाना डालो, कैमरामैन से मैं आपको बता रहा हूँ, बच्चे दिखा रहा हूँ और बच्चे का तरीका बता रहा हूँ कि बच्चे बरोबर कैसे करें। गाइस देखो ये मेरे पास एक जोड़ा है, ये मादी है उसमें की, और ये हो गया हमारा नर, ये है नर। तो गाइस इसके बच्चे दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये देखो ये बड़ा बच्चा है, कितना बड़ा हो गया, खा खा के बड़ा हो गया है। और भाई देखो ये छोटा बच्चा कितना ज्यादा छोटा हो गया है। मैं आपको बता रहा हूँ, एक तरीका बता रहा हूँ, जैसे सुबह सुबह आपने कबूतर खोले, मादी भी निकल जाएगी, निकाल दिया, अभी कबूतर के बच्चे बचे। तो मैं एक चीज बता रहा हूँ जिससे आपके कबूतर हमेशा बड़े रहेंगे और कभी कमजोर नहीं होंगे। जैसे मैं अभी आए कबूतर आया, खिलाया एक बार, समझ लो ये बड़े बच्चे को खिला दिया। तो आपको एक काम करना है, ये बच्चे को मैंने ये साइड में डाल दिया, बच्चा है एक बच्चा, अब कबूतर का जोड़ आएगा, देखेगा एक ही बच्चा है, वो इसको भरेगा। इसको कम से कम आपको 5 मिनट बैठ के इस बच्चे को भरवाना है। इस बच्चे को आप भरवाओगे, कबूतर इसको भरेगा, दो जब एक को भरेगा, ये बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगेगा। आपको 2 से 3 टाइम रोजाना कुछ दिन करना है, 4 या 5 दिन, उससे ये बच्चा भी इसके तरह दिखने लगेगा और ज्यादा कमजोर नहीं होगा और ये बच्चे का आपका नुकसान नहीं होगा। तो गाइज जैसे कि मैंने आपको ये सब बताया, तो गाइज मेरा ये चैनल है, ये मेरी दूसरी वीडियो है। गाइज मेरे चैनल का नाम है कबूतर एक्सपेरिमेंट। गाइज इसको लाइक करो, शेयर करो, और आपको कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में मेरे को कमेंट करो, मैं आपको जो भी कुछ होगा मैं आपको बना के बताऊंगा, हर चीज़ की वीडियो आपको बताऊंगा।